अंतराम वन टू जगह टीचा ने कौन सीधा रुकी बता पीछे बढ़ रहा है। देखिए जो मौके पे दिखा है ये डीसीएम गाड़ी में काफ़ी लोग काफ़ी संख्या थी जो कि पिनाहट और बा से रिलेशन में सब आपस में थे। वो डीसीएम के माध्यम से लखना पे झंडा चढ़ाने जा रहे थे। उनके यहाँ कोई उत्सव था उस संबंध में झंडा चढ़ाने जा रहे थे। ये जब गए हैं तो उदी से आगे चकर नगर रोड पर एक मोड़ आया है जहाँ ट्रक डिसबैलेंस हुई है और बगल में 30 से 35 फीट गहरा खाई टाइप का है उसमें ये ट्रक गिरी है। सभी लोग जगह जगह छिटक के गिरे हैं। कुछ लोग ट्रक के नीचे थे, डीसीएम के नीचे थे। सभी लोगों को निकलवा लिया गया, यहाँ इलाज के लिए भेजा गया एम्बुलेंस के माध्यम से, जहाँ पर अब तक जितने अब तो सारे लोग आ गए हैं, अब तक 10 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। बाकी आगे कुछ गंभीर हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे जो होगा वो आपको कितने घायल हैं अभी, घायल की टोटल नंबर वो डॉक्टर साहबान बता रहे हैं, क्योंकि अभी लगातार वो पीछे से आ ही रहे हैं, सब निकल गए हैं लेकिन अभी रास्ते में आ रहे हैं। कितने लोग सवार थे डीसी ट्रक में? लगभग 40 से 45 के बीच या जो भी संख्या और बढ़ती है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर उसमें बच्चे भी काफ़ी थे, तो सभी बच्चे सुरक्षित हैं, महिलाएँ सुरक्षित हैं। 10 पुरुषों की डेथ हुई है अब तक, बाकी इलाज कर रहे हैं। और ये भी है कि अगर कोई गंभीर होता है तो उसको आसपास हायर सेंटर पे रिफ़र करने की भी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी ये मिल रही है सर, ड्राइवर कहीं शराब वराब के नशे में था? अब ये चीज़ अभी तो ये जांच का विषय है, इसको हम लोग देखेंगे, जैसे भी तथ्य निकलेंगे फिर आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। अस्पताल में क्या जानकारी, अब तक कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? ये एक बस है जो बाहर से आ रही थी, यात्रियों को लेकर के लखनऊ जा रहे थे, इसमें करीब 52 लोग सवार थे, जिसमें जो खाई में गिरी है और जिसमें अभी 10 लोगों की मृत्यु हुई है और बाकी लोग अस्पताल आ गए हैं, उसमें से कुछ क्रिटिकल हैं जिनको सैफई तत्काल रेफ़र किया जा रहा है प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद, और बाकियों का इलाज यहाँ पर जारी रहेगा। अभी तक कुछ निकल कर आया, क्या वजह क्या निकल कर आ रही है पलटने की? बस खाई में गिरी है, बाकी तो अभी तफ्तीश चल रही है। डीसीएम है जो खाई में गिरी है और अभी बाकी तफ्तीश चल रही है क्या वजह है रही है, और ड्राइवर के बारे में भी हम पता कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई अभी पहले सबसे पहले उनको फर्स्ट एड के साथ पहले इलाज उनका हो, जिनको हेड इंजरी है तत्काल उनको एम्बुलेंस से सैफई भेजा जा रहा है, उसके बाद फिर इस पर करेंगे। इस तरह की तमाम घटना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।